चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए. यस ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंट. ऑल ऑफ यू हैव जॉइंट बेटा, सबको आवाज आ रहा है? यस ठीक है, वेरी गुड. चलो तो ये हमारा पार्ट हो गया यहां पे कंप्लीट. है ना, इसके बाद हमने कुछ बातें करी थी, फिर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, है ना, फिर हम फोर्स की तरफ बढ़ गए थे, है ना. लॉरेंट्स फोर्स की मैंने आपको बात करी थी. एक फोर्स होता है लॉरेंट्स फोर्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, लॉरेंट्स फोर्स इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंट्स फोर्स. सो जब आपका पार्टिकल या आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव करता है, तो उस पे दो तरह के फोर्स लगते हैं. वन फोर्स इज एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर फोर्स इज एग्जर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो दोनों फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स. ठीक है, तो कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए फाइंड द लॉरेंट्स फोर्स, मींस यू हैव टू कैलकुलेट बोथ द फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. ठीक है, इस तरह से आप दोनों फोर्स कैलकुलेट करोगे दोनों फील्ड्स की वजह से जो होता है. ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे लॉरेंट्स फोर्स से पहले, मैंने आपको बताया था कि हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना है ना. तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास देखो रूल होता था, एक रूल हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स रूल, है ना. अब आ जाते हैं हमारी स्लाइड पे. लॉरेंट्स फोर्स के बाद मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स रूल, है ना. तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबको पता है. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट आपका जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और मिडल फिंगर आपका इलेक्ट्रिक करंट बताएगा. ठीक है, इस तरह से हम फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग रूल से हमें डायरेक्शन पता चल जाती थी फोर्स की. चलो अब फिर हमने क्या किया, एक वायर लिया और उस वायर में हमने फोर्स निकाला था कि जब हम किसी वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है, है ना. तो हमने देखा उस पर इतना फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है. अगर हम किसी वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये हमने कैलकुलेट किया था, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी. ठीक है, हमें ये रिलेशन मिला था. यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कंसेप्ट लगाया था. अगर आपका करंट सपोज करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे. ये ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना. सो ड्रिफ्ट स्पीड से हमने क्या किया, सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड करी, है ना. तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना. करंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये पूरा टर्म हमारा करंट हो जाता था और यहाँ से हमें एक नया रिलेशन मिलता था फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इनटू एल क्रॉस बी, है ना, और यू कैन से आई एल बी साइन थीटा। तो जब भी हम किसी वायर में या किसी कंडक्टर में जब फोर्स निकालना होता था इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडक्टर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता था, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का हमने यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। जब आपके पास दो पैरेलल वायर्स होती थी तो पैरेलल वायर्स की वजह से हम फोर्स निकालते थे, है ना, तो पैरेलल वायर्स की वजह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता था एफ वन टू एंड एफ टू वन, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आता था, दैट इज म्यू नॉट आई आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। ठीक है, एफ वन टू और एफ टू वन का वैल्यू एग्जैक्ट आपको सेम मिलता था, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती थी, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो आपका फोर्स किधर आएगा, है ना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और आप डायरेक्शन निकाल लो, फर्स्ट वायर पे फोर्स आएगा अंदर की तरफ, सेकेंड वायर पे फोर्स आएगा लेफ्ट साइड, फर्स्ट पे राइट साइड, सेकेंड पे लेफ्ट साइड। इस तरह से हमने फोर्स के कैलकुलेशन करे थे। अच्छा, जब करंट आपका एंटी पैरेलल मूव होता था, है ना, जब एंटी पैरेलल आपका करंट वायर में मूव होता था तो आपके वायर्स में रिपल्शन होता था, और जब पैरेलल करंट फ्लो होता था तो आपके वायर्स में अट्रैक्शन होता था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जब आपका करंट हमारा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव होता था तो आपका जो फोर्स होता था वो रिपल्सिव फोर्स लगता था, और जब पैरेलल डायरेक्शन में मूव होता था तो आपका फोर्स कैसा लगता था, अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो गए, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस, हाँ, एसवी वाले बच्चे कहां भाग गए, पीपी सवानी वाले रह गए। अरे हम ज्यादा तेज तो नहीं बढ़ रहे बेटा, कहीं ज्यादा तेज हो गए तो मेरे को बता देना, हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, रिवीजन चल रहा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। कुश पटेल, यस, एसवी वाले बच्चों को ज्यादा स्पीड लगे तो बता देना, और कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आए तो वहां पे मुझे स्टॉप कर देना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, है ना, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन आ जाता है हमको तो वहां पे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? यस, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम आ गए थे, आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों के लिए। फिर हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, है ना। 1 एम्पियर क्या होता है, देखो, जब आप करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कर दो इस फोर्स की इक्वेशन में जो हमने अभी अभी निकाली, इस करंट की वैल्यू अगर आप 1 एम्पियर कर दो, और ये जो सेपरेशन है दो वायर्स के बीच का, इसको अगर आप 1 मीटर कर दो, तो दो वायर्स पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर। सो यहां से हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन करी थी, दैट 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज पास्ड इन टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and are placed 1 meter apart in a vacuum that causes a conductor to experience a force of 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहां से हमने सर ये एग्जाम की वजह से ये सब छूट गया था, हाँ, तो जिन लोगों का ये सब कंसेप्ट छूट गया था उनको आज रिवीजन में क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है तो जो भी मिसिंग पार्ट था वो आपका कवर हो जाएगा, और पीपी सवानी वाले बच्चों के तो एग्जाम्स आ ही रहे हैं तो उनको तो एग्जाम में सारा बेनिफिशियल है। ठीक है, और एसवी वाले बच्चों का जो पोर्शन छूट गया है वो आप यहाँ से कवर करने का पूरा कोशिश करो, और फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो वी विल प्लान अ न्यू सेशन। ठीक है, अभी हम 1-2 दिन तक रिविजन ही करेंगे। चलो, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ गए थे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था,
इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी. टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये वाले पोर्शन में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी. सर ऐसे करो, न्यू सेशन करेंगे क्योंकि एसवी में बहुत सारों का रह गया है ना. नहीं, ये रिवीजन तो सबको करना ही है, ये वाला रिवीजन पार्ट सबको साथ में ही करना है. इसके अलावा आपके जो डाउट्स रह जाएंगे वो हम क्लियर करेंगे. ठीक है, ये रिवीजन सेशन में जो भी आपको डाउट्स नहीं समझ आएंगे वो उसके लिए हम अलग से एक सेशन कर लेंगे. वो संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास वैसे भी रखने ही वाले, तो संडे को आपका ऐसा होगा तो सेशन थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, एक घंटे की जगह दो घंटे का कर लेंगे. ठीक है, 1 आवर में अगर हमारा काम हो गया तो 1 घंटे का रखेंगे, नहीं तो 2 आवर्स का कर लेंगे संडे को, और संडे को पूरा रिवीजन कंप्लीट कर देंगे. एक्सक्यूज मी सर. यस, तो सर हमारा ये चैप्टर तो हुआ ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से. कौन सा वाला? ये मैग्नेट वाले बैच में. तो ये रिवीजन में भी कुछ समझ नहीं आ रहा. ये वाला चैप्टर नहीं चला आपको? ये मैग्नेटिज्म नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ सर. अच्छा, तो आपका कहाँ तक हो गया है? एसवी वालों का सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है अभी. तो आप लोगों ने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया मेरा? मैंने की थी लेकिन बीच में एग्जाम में टूट गया. तो ऐसा बोला था ना सर ने कि ये ऑप्शनल है, तो फिर वो सारे क्लास करने में टाइम नहीं रह रहा था. तो सर ने बोला था कि सर आप राम सर की करो क्लास. तो राम सर आपको पढ़ा तो रहे ना बेटा? राम सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे अभी? वो हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, और मैग्नेटिज्म आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ उधर. अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बाकी है बेटा. यहाँ पे तो हम मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो अर्थ मैग्नेटिज्म आज कंप्लीट हो जाता और मैं कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाला था. वो तो मैं आप लोगों के चक्कर में आज रिवीजन ले रहा हूँ. बाकी हम लोग तो हमारे तो कई चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. पीपी सवानी. हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा था कि सर आप हमारे लिए रिवीजन करवा रहे हो लेकिन हमारा ये चैप्टर हुआ ही नहीं है, तो हमें आइडिया नहीं है ऐसा. अच्छा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं आपको? अच्छा, तो रिवीजन में अभी जो मैंने आपको लॉज बताया, एम्पियर्स लॉ बताया, और ये सब लॉज आपको समझ आ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा. हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा लग रहा है, कूलम्स लॉ और वो फील्ड जैसा सब, लेकिन आइडिया नहीं. एग्जाम आए थे वो 7 दिन का ही रह गया था. मतलब बीच में एग्जाम आई थी ना हमारी? वो सब रह गया था. बीच में आपकी एग्जाम थी तो आपने 5-6 दिन या 1 हफ्ते तक तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं आ रहा था एसवीवी का क्लास अटेंड करने. यस सर, यस. है ना, पहले तो कुश पटेल वगैरह ये 2-3 बच्चे आ जाते थे, लेकिन अभी तो बीच में 1-1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कोई भी एक भी बच्चा नहीं आ रहा, सिर्फ पीपी सवानी के स्टूडेंट्स आ रहे थे. है ना, तो फिर अभी आप एक काम करो, इसको रिविजन की तरह ले लो, और जो मेजर पोर्शन है आपका, जो जिस टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, एक बार ये वाला रिवीजन आपको क्या हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूँ. इस रिवीजन से आपको ये पता चलेगा कि हमें ये वाले टॉपिक सारे कवर करने हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको 100% समझ आएगा, आपको चलो 20% समझ आए या 30% समझ आए, ठीक है, लेकिन कुछ 20% 30% आपके दिमाग में घुसेगा. और जो मैं कह रहा हूँ मेजर पोर्शन जो आपका बचता है इस चैप्टर का, वो वाला हम वहां से कर लेंगे. हाँ, मैंने YouTube पे वीडियोस भी डाले हुए हैं, अगर आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो. मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हुए उधर, अगर आप ऐसा होगा तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा. एसवी वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं. यस, नहीं तो संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे ना आपके लिए. आपका क्या कहना है बताओ? यस, एसवी वाले स्टूडेंट्स, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी रखते हैं आपके लिए, और
अभी तो आपको रिविजन क्लास ये वाला अटेंड करना ही है, रिविजन क्लास अटेंड करोगे सब लोग, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप लोग अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं आओगे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आना है। इस रिविजन क्लास में हम ऐसा कर सकते हैं कि स्पीड थोड़ी और स्लो कर देंगे अगर आप कहोगे तो। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो हम थोड़ा स्लो पेस पे चलेंगे ताकि आपका रिवाइज प्रॉपरली होते जाए और जो नए बच्चे उनको भी समझ आता जाए, है ना? थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि संडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा मत सोचो कि संडे को ही हम पढ़ेंगे, ये मत सोचना बिल्कुल भी। हमने आज से जो रिविजन चालू किया है हम स्पीड थोड़ी स्लो कर देंगे और संडे तक कोशिश करेंगे कि रिवाइज कर ले पूरा, ऐसा कर सकते हम। और एक प्लानिंग ये भी कर सकते हैं, सैटरडे को जैसे पीपी सवानी वाले बच्चे तो नहीं आएंगे तो सैटरडे को खाली एसवी वालों का क्लास रख देंगे ताकि उनका जो पुराना सिलेबस रह गया वो कवर हो जाएगा, है ना? सैटरडे को खाली एसवी वाले बच्चे आ जाएंगे क्योंकि पीपी सवानी वालों का तो एग्जाम रहेगा और सैटरडे को मैं रिविजन करवा दूंगा फिर आप लोगों, और संडे को भी दिन आपको मिल जाएगा। पीपी सवानी वाले बच्चे सब चीजें पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है ना? क्योंकि मंडे को हमें एनी हाउ हमारे नए टॉपिक पे जाना ही है ना, वैसे ही हमारा सिलेबस देखो काफी लैगिंग हो रहा है और मंडे से हमारा जो कॉन्टिन्यूएशन में टॉपिक चल रहा है हमें वो टॉपिक पे फिर से पहुंचना है। आप लोग मेरी बात समझ सकते हो, ठीक है? तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि संडे तक आपका सारा ये वाला पार्ट जो है इसको रिवाइज करवा के कंप्लीट कर दें, है ना? और कुछ 19-20 आपका ऊपर नीचे भी होता है तो वो मैं आपको वीडियो के लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो में से भी कवर कर सकते, ठीक है? इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। है ना? और बाकी आप राम सर से तो पढ़ ही रहे हो, एसवी वाले बच्चे राम सर से पढ़ रहे हैं तो राम सर आपको पढ़ाएंगे ये सब टॉपिक्स, तो नो डाउट आप लोग वहां से भी क्लियर कर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? चलो आज हम सेशन यही एंड कर रहे हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री का क्लास होगा आपका। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।